वेलकम टू इंग्लिश विद अल्ताफ। आज हम इस वीडियो में वन बाय वन करके ये सारे idioms सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इन वेन, फिर हम सीखेंगे इन शॉर्ट, फिर उसके बाद इन ड्यू कोर्स, ऑफ एंड ऑन, हार्ट एंड सोल, नाउ एंड देन, ऑन द अलर्ट, ऑन द होल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फिर आखिर में हम सीखेंगे एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, तो चलें स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करते हैं। इडियम इन वेन हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को या किसी चीज़ के बेकार होने की, बेनतीजा होने की या बेफायदा होने की। जैसे कि ऑल आवर वर्क वॉज इन वेन, हमारा सारा काम बेनतीजा था। दे वेटेड इन वेन फॉर अ रिस्पॉन्स, इन्होंने जवाब का बेकार इंतज़ार किया। आई ट्राइड इन वेन टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मैंने बातचीत करने की बेकार कोशिश की। We searched in vain for the missing child, हमने लापता बच्चे को बेकार तलाश किया। Money spent on the brain is never spent in vain, दिमाग पर खर्च किया गया पैसा कभी भी रायगा नहीं जाता। Idiom in short हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को मुख्तसर करने की। जैसे कि In short it's like this, मुख्तसर ये है, ये इस तरह है। In short do not tease anyone, मुख्तसर ये किसी को भी तंग ना करें। इन शॉर्ट वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, मुख्तसर ये कि हमें तैयार रहना चाहिए। इन शॉर्ट आई डिसाइडेड टू डू लाइक दिस, मुख्तसर ये मैंने ऐसा करने का फैसला किया। इन शॉर्ट द डिसीजन केम अर्ली, मुख्तसर ये कि फैसला जल्दी आया। ईडियम इन ड्यू कोर्स हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को मुनासिब वक्त पर करने की। जैसे कि अली विल गेट हिज प्रमोशन इन ड्यू कोर्स, अली को मुनासिब वक्त पर तरक्की मिल जाएगी। आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन ड्यू कोर्स, मैं मुनासिब वक्त पर आपके सवाल का जवाब दूंगा। योर रिक्वेस्ट विल बी डील्ड विथ इन ड्यू कोर्स, आपकी दरख्वास्त को मुनासिब वक्त पर निपटा जाएगा। फर्दर डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स, मजीद तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। यू विल रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स, आपको मुनासिब वक्त में नतीजे की इतला मिल जाएगी। इडियम ऑफ एंड ऑन यूज होता है जब हम बात करते हैं किसी काम को कभी कभी करने की। जैसे कि इट रेन्स ऑफ एंड ऑन, कभी कभी बारिश होती है। एनी आर्ग्यू विथ मी ऑफ एंड ऑन, एनी कभी कभी मुझसे बहस करती है। लेजी बॉयज स्टडी ऑफ एंड ऑन, सुस्त लड़के कभी कभी पढ़ते हैं। शी क्वाइट ऑफ एंड ऑन ऑल डे, वो कभी कभी पूरा दिन रोती थी। अली यूज टू अनॉय मी ऑफ एंड ऑन, अली कभी कभी मुझे तंग किया करता था। ईडियम हार्ट एंड सोल हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को दिलो जान से करने की। जैसे कि आई लव यू हार्ट एंड सोल, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। आई विल डू दिस वर्क हार्ट एंड सोल, मैं ये काम दिलो जान से करूँगा। आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू द जॉब, मैं अपना दिलो जान काम में लगा दूंगा। शी लव्स दोज चिल्ड्रन हार्ट एंड सोल, वो उन बच्चों को दिलो जान से प्यार करती है। शी एंटर्ड हार्ट एंड सोल इन द बिजनेस, वो दिलो जान से इस कारोबार में दाखिल हुई है। नाउ एंड देन हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को कभी कभार करने की। जैसे कि ही सेंड मी मैसेजेस नाउ एंड देन, कभी कभार वो मुझे मैसेज भेजता है। सम पीपल एक्ट द फूल नाउ एंड देन, कुछ लोग कभी कभार पागलपंती करते हैं। एवरी वन हैज़ बैड डेज नाउ एंड देन, हर एक के कभी कभार बुरे दिन आते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू क्विट नाउ एंड देन, कभी कभार हर कोई छोड़ना चाहता है। I talk to her now and then, कभी कभार मैं उससे बात करता हूँ। Idiom on the alert हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को चुकन्ना होके करने की। जैसे कि All officers were on the alert, तमाम अफसरान चुकन्ने थे। Be on the alert, they can come anytime, चुकन्ने रहें वो कभी भी आ सकते हैं। He got on the alert when he saw the thief, चोर को देखते ही वो चुकन्ना हो गया था। ड्राइवर्स मस्ट बी ऑन द अलर्ट फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स, ड्राइवर्स को ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए चुकन्ना रहना चाहिए। एनी वॉन्ट्स टू बी ऑन द अलर्ट फॉर सिमिलर बाइंग अपॉर्चुनिटीज,
यानी इस तरह की खरीदारी के मौके के लिए चौकन्ना रहना चाहती है। इडियम ऑन द होल हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी चीज के मजमूई तौर पर होने की, जैसे कि ऑन द होल इट इज नॉट अ बैड बार्गेन, मजमूई तौर पर ये कोई बुरा सौदा नहीं है। ऑन द होल आई एम इन फेवर ऑफ द आइडिया, मजमूई तौर पर मैं इस ख्याल के हक में हूँ। ऑन द होल आई थॉट द फिल्म वॉज प्रीटी गुड, मजमूई तौर पर मैंने ये सोचा कि फिल्म बहुत अच्छी थी। ऑन द होल शी काउंटेड हरसेल्फ अ फॉर्चुनेट वाइफ, मजमूई तौर पर वो खुद को एक खुश नसीब बीवी शुमार करती थी। ऑन द होल आई एम हैप्पी विद द वे शी लुक्स एट मी, मजमूई तौर पर मैं इससे खुश हूँ जिस तरह वो मुझे देखती है। एडियम ऑन द कॉन्ट्रेरी हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम के बरअक्स होने की, जैसे कि आई डोंट लव हिम, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई हेट हिम, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, इसके बरअक्स मैं इससे नफरत करता हूँ। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज अ वेरी सीरियस अफेयर, लेकिन इसके बरअक्स ये एक बहुत संगीन मामला था। इट वॉजेंट अ गुड थिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज अ ह्यूज मिस्टेक, ये अच्छी बात नहीं थी, इसके बरअक्स ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इट डजेंट सीम अगली टू मी, ऑन द कॉन्ट्रेरी आई थिंक इट्स रादर ब्यूटिफुल, ये मुझे बदसूरत नहीं लगता, इसके बरअक्स मुझे लगता है ये खूबसूरत है। इट्स नॉट ट्रबल एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू हेल्प यू, ये कोई परेशानी नहीं है, इसके बरअक्स आपकी मदद करने में मैं बहुत खुश होऊंगा। इडियम फ्रॉम टाइम टू टाइम हम यूज़ करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को कभी कभार करने की या वक्तन वक्तन करने की, जैसे कि आई शेल सी यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैं तुम्हें वक्तन वक्तन देखूंगा। अली एडमायर मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, अली कभी कभार मेरी तारीफ करता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई फाइट विथ हर, मैं कभी कभार उससे लड़ता हूँ। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई स्टिल थिंक ऑफ हर, वक्तन वक्तन मैं अभी भी इसके बारे में सोचता हूँ। स्ट्रेस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, वक्तन वक्तन तनाव हम सब के लिए जिंदगी की एक हकीकत है। एवरी नाउ एंड देन हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी काम को कभी कभी करने की, जैसे कि आई स्टिल सी इट एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी मैं अभी भी इसे देखता हूँ। दे चीट मी एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी वो मुझे धोखा देते हैं। Any fights with me every now and then, Any कभी कभी मुझसे लड़ती है। He comes to see me every now and then, वो कभी कभी मुझसे मिलने आता है। Every now and then I remember my first day at school, कभी कभी मैं अपने स्कूल का पहला दिन याद करता हूँ।